हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टोवेल के प्रूफ फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त से जानना चाहते थे कि आखिरकार इथेरियम का भाव बिटकॉइन की पेयर में क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे। और अगर नहीं सोच रहे तो डेफिनेटली सोचनी चाहिए कि आप इथेरियम को बिटकॉइन की पेयर में सेल करके बिटकॉइन की क्वांटिटी को यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इथेरियम BTC के पेयर में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोस बन सकते हैं और मेरे हिसाब से क्या क्या प्राइसेस यहाँ पे जा सकते हैं। मे बी ये फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं वैल्यूज़, क्योंकि हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं एंड प्रिडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी इस वीडियो में बताए जा रहे हैं वो एक अनुमान है, जो कि सच भी हो सकते हैं। और अगर वहाँ तक चीज़ें नहीं जाती हैं तो आपके पास हमेशा अपना प्लान बी भी रेडी होना चाहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं कराया या फिर आप यहाँ पर सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं। मेरी इस मेल आईडी xlsf@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @CryptoVel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो ये है दोस्तों इथेरियम BTC का चार्ट। और ये जो एक्सचेंज मैंने लिया है, ये लिया है पोलोनिक्स, क्योंकि पोलोनिक्स अभी तक का सबसे ऐसा एक्सचेंज जिस पर इथेरियम का मुझे सबसे अभी तक का बड़ा चार्ट देखने को मिला है। अभी अगर हम लोग पहले बात करते हैं लास्ट बुल साइकिल्स के बारे में, तो इथेरियम की जो पहली वाली साइकिल थी, अगर हम उसके बेस से बात करें तो लगभग हमें यहाँ पे 2356% का गेन देखने को मिला था। सेकेंड साइकिल की अगर बात करें तो लगभग हमें यहाँ पे 2660 के आसपास यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला था। यानी कि अगर हम दोनों साइकिल्स की यहाँ पे बात करें तो करीबन जो साइकिल की हाइट है वो 2000% के आसपास यहाँ पे हो सकती है। तो अगर एक परसेंटेज के हिसाब से बात करी जाए इस बॉटम से, कि मार्केट यहाँ पे इस बार भी 2000% के आसपास अगर यहाँ पे डिप डाउन करता है, फिर 2000% से मान लेते कि 1800% के आसपास यहाँ पे करता है, तो लगभग जो इथेरियम का प्राइस है वो 0.315, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि 0.3 BTC के आसपास यहाँ पे जा सकता है, जो कि एक नॉर्मल सा केस का सिनेरियो है। अब अगर बात करते हैं कि अभी हमारे प्राइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगता है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज़ है कि जो इथेरियम BTC है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, जिसके बारे में हमने बहुत टाइम पहले भी बात करी थी जब मे बी प्राइसेस इस पॉइंट या इस पॉइंट के आसपास थे। तो यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला। और इस हेड एंड शोल्डर के हिसाब से अगर बात करी जाए, तो अगर अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम टारगेट्स की भी बात करते हैं, अगर यहाँ पे इथेरियम BTC आपका 0.04 के ऊपर ब्रेक करता है तो लगभग जो इसका टारगेट होगा वो 0.064 BTC के आसपास यहाँ पे होने वाला है। तो ये एक अच्छा मोमेंटम है जहाँ पे कि आप इसको कैच कर सकते हो। और जिस तरीके से इथेरियम USDT पेयर में बढ़ा था, मुझे लगता है कि ये भी उसको कम्पीट करने के बढ़ेगा। और करीबन जो इसका ये पिछला वाला हाइट था 0.1 BTC का, उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। अब बात आती है कि आखिरकार और ज़्यादा प्राइसेस में क्या इंक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि साइकिल्स में हमें पता है कि हमेशा जो साइकिल्स हैं वो अपने पिछले हाई को ब्रेक करके मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। तो परसेंटेज वाइज तो हमने बात करी थी, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा TA वाइज। तो यहाँ पे TA के वाइज अगर देखा जाए तो लगभग जो हमारा एक मिनिमम के आसपास एक टारगेट हम जो लेके चल सकते हैं वो है ये वाला, जो कि 0.024 BTC के आसपास यहाँ पे हो सकता है। ये एक ऐसा लेवल है जो कि हमारे लिए एक अप्रोचेबल है और थोड़ा ईजी है। यानी कि अगर हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि इथेरियम अपना ऑल टाइम है ब्रेक करता है बिटकॉइन के पेयर में, तो फिर ये अगला वो लेवल होगा जो कि इसको होल्ड यहाँ पे करने वाला है। अगर इस लेवल के भी मार्केट और ऊपर जाता है तो फिर जो एक लेवल हम लोग एक और लास्ट वाला देख के चलेंगे वो होगा 2.618 का, जो कि 0.38 के आसपास का हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। तो यानी कि अगर हम अभी से भी बात करें इस वाली पोजीशन से, तो पहला टारगेट जो हम अगर देखते हैं तो ये 5x का है, जो कि मुझे लगता है कि 5x इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इथेरियम के लिए होना, जिस तरीके से इथेरियम का फंडामेंटल ग्रो हो रहा है। और वहीं पर अगर हम लोग सेकेंड वाली के हिसाब से बात करें तो ये होता है 9x। तो अगर इसके मिड में भी कोई प्राइसेस होते तो हमारे लिए एक बेनिफिशियल डील हो सकती है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि आपको इथेरियम को BTC के पेयर में सेल करना है, तो मेरे हिसाब से ये दो टारगेट्स हो सकते हैं जहाँ पे कि हम फ्यूचर में प्राइसेस को देख सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में भी शायद इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक ना करें और आपको उससे पहले ही सेल करना है, तो फिर उसके लिए जो बेटर टारगेट है वो है 0.1 का, और अगर आप उसके नीचे देखते हैं तो 0.086 BTC का। ये दो टारगेट्स हैं जो कि आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक मार्केट ईजिली कैच कर सकता है। इसके ऊपर के जो टारगेट्स हैं, इसमें पहला वाला टारगेट पर मैं थोड़ा श्योर हो सकता हूँ जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा,
सेकंड वाले टारगेट के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट उसको टेस्ट कर पाता है फिर नहीं कर पाता है। लेकिन जिस तरह भी हम लोगों ने यहाँ पे चांसेस निकाले थे, क्योंकि हम लोगों ने बॉटम से 2000% का तो रिटर्न नहीं निकाला था, अगर 2000% के रिटर्न के हिसाब से भी हम बात करें तो लगभग 0.34 होता। फिर भी अगर हम इस वाले तक भी बात करें बॉटम से, तो ये करीबन करीबन यहाँ पे 1300 के आसपास का, या 1400 आप इसको अप्रोक्स मान सकते हो। तो जो बॉटम प्राइसेस हैं जो कि इथेरियम ने मे बी 0.015 का लगाया था, उससे ये एरिया 14x यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ प्राइसेस हैं जो कि मैं इथेरियम के पेयर में लेके चल रहा हूँ कि यहाँ इथेरियम का जो BTC पेयर है कहीं ना कहीं वो इन प्राइसेस को फॉलोअप यहाँ पे कर सकता है। बाकी मैं आने वाले फ्यूचर में अपग्रेड जो भी चीज़ें चेंज होती हैं या फिर जो भी चीज़ें अपग्रेड होंगी वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ही बुलिश हो जाता है, जैसे कि मार्केट में क्या है बहुत सारे न्यूज़ आ रही है कि इथेरियम में भी $10,000 जाएगा, देन उस केसेस में ये मे भी शायद प्राइसेस और ज़्यादा हाई अप जा सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग इतना ही लेके चलते हैं, आगे फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे उनको उस टाइम पर बात वहाँ पर कर लेंगे। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।